सन 1867 दा होला महला श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अपने सिखां समेत श्री आनंदपुर साहिब विखे कीता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारे ही गुर अस्थानां दे दर्शन कीते अते संगतां नूं भी दर्शन दे के निहाल कीता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आनंदपुर साहिब विखे होले महले दे दौरान अपने तंबुआं विच विश्राम कर रहे सन कि उत्थे दे रहण वाले दुकानदारां दे चित विच आई कि जे ए ओही गुरु गोबिंद सिंह जी हन, जे ए ओही दसवें पातशाह हन, तां सानू इत्थे हट्टियां ते बह के ही दर्शन देण। सतगुरु राम सिंह जी दा अंतरजामी हन। श्री सतगुरु राम सिंह जी उन्हां दी ए अंदर वाली गल जाण के चीनी घोड़ी तैयार करवाई अते सच्चे पातशाह जी उस ते असवार हो गए। सतगुरु राम सिंह जी चीनी घोड़ी लै के उत्थे पहुंचे जिथे ओ सारे दुकानदार अपनियां हट्टियां लाई बैठे सन। श्री सतगुरु जी ने चीनी घोड़ी तो उतर के सारे दुकानदारां कोल जा के बह के दर्शन दिते, हाल चाल पुछिया अते अपने वलों प्रसाद भी दिता। दुकानदारां ने भी खुश हो के श्री सतगुरु राम सिंह जी ते गुलाल सिटिया, रुपए मत्था टेके अते पतासे भी मत्था टेके। सारे दुकानदारां नूं श्री सतगुरु राम सिंह जी ने बेअंत खुशियां बख्शियां अते सारे दुकानदार श्री सतगुरु राम सिंह जी नूं धन कहण लग पए अते उन्हां सारिआं ने ही कहा कि सानूं पूरा निश्चा हो गया है, ये ओही गुरु गोबिंद सिंह जी दी जोत हन, क्योंकि इन्हां ने साडी अंदर वाली गल नूं जाण लिया ते सानूं इत्थे आ के आप दर्शन दित्ते।